सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर में गो सेवा मिशन के अध्यक्ष स्वामी कृष्णानंद जी की अध्यक्षता में 19 जुलाई से 27 अगस्त तक 40 दिवसीय अखंड संकीर्तन दिन रात किया जा रहा है, जिसमें सर्वप्रथम दोपहर 4 बजे से लेकर सायं 6 बजे तक सामूहिक सुंदरकांड के पाठ किए गए, जिसके पश्चात सायं 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक श्री हरि नाम संकीर्तन एवं संत समाज द्वारा सत्संग किया गया। इस अवसर पर SC ST कमीशन के राष्ट्रीय चेयरमैन विजय सांपला ने विशेष तौर पर शिरकत कर कथा में हाजिरी लगाई और आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान स्वामी कृष्णानंद जी ने अपने प्रवचनों के माध्यम से उपस्थित भक्तों का मार्गदर्शन भी किया। इस अवसर पर SC कमीशन के चेयरमैन विजय सांपला ने अपने संबोधन में कहा कि जिसने गाय माता की शरण ली है उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। उन्होंने कहा कि मातृत्व भाव से सेवा करने व गाय की शरण लेने से शरीर व मन के दुख कम होते हैं। सनातन धर्म में हर घर में गाय होनी ही चाहिए। इस मौके पर असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन प्रभजोत सिंह के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। श्यामा राजे सग सखियन के कुंजन कुंजन के होली के लिए कुंजन कुंजन के इस पवित्र भूमि पर जो 52 शक्ति पीठों में जिसका एक प्रमुख स्थान है, इस दिव्य पवित्र भूमि को नमन करते हुए और पूज्य महाराज जी के तत्वावधान में जहाँ कभी बीनेवाल में कभी चांदपुर उड़की में तक अलग अलग स्थानों पर दिव्य इस अनुष्ठान का समागम पूर्व कई वर्षों से होता आ रहा है, तो ये जो जालंधर नगरी है आप सभी का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपकी धरती को यह अवसर प्राप्त हुआ। और ये इसलिए भी प्राप्त नहीं है, ये अवसर इसलिए भी नहीं मिला कि ये इस वर्ष होना था तो इस वर्ष ही होगी, शायद अगले वर्ष भी हो सकता था, लेकिन एक तो क्या कहते हैं ना कि लाभ भी मिले और उसमें भी हमको कुछ और अधिक मिल जाए, बोनस मिल जाए। तो आपको बोनस क्या मिला है कि ये अधिक मास में आपको ये कथा मिली है। और अधिक मास का अर्थ क्या है? अधिकस्य मासम अधिकम फलम। अधिक मास में किया हुआ कोई भी पावन पुनीत कार्य जीव को अधिक फल देता है। हमारे इस निरंतर महानगर के बारे में पंजाब क्षेत्र में सनातन धर्म की सेवा करने वाले श्री शीतल रेड्डी जी, उनके सभी कमेटी के जितने भी उनके सेवकजन हैं, उन सबका सहयोग है। हम अपने महापुरुषों के गुरुजनों के पद की नौबत करें, जिन महापुरुषों ने हमको जीना सिखाया, सतगुरु श्री कबीर महाराज जी, गुरु नानक महाराज जी, सतगुरु श्री रविदास महाराज जी, सतगुरु श्री वाल्मीकि महाराज जी, गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी, इन महापुरुषों ने हमारे देश राष्ट्र की मानवता की बहुत बड़ी सेवा करी है। समय समय पर जो धर्मियों के बड़े बड़े प्रकोप हुए हैं, इसी समय वही रावण, कुंभकर्ण, दुर्योधन, दुशासन और वही अधर्मी
आश्रित प्रकृति के वो मुगल लोग जिन्होंने सनातन धर्म संस्कृति के ऊपर बड़े बड़े प्रहार किए, पर हमारे महापुरुषों की कृपा है कि हमारे समाज ने आपसे मिलजुल करके धर्म की रक्षा करी है। वर्तमान समय में बड़े बड़े संकट हमारे देश के ऊपर हैं, धर्मांतरण का एक महापाप इस देश में हो रहा है। हमारे भले वाले परिवारों को प्रलोभन दे करके जो ऐसा कृत्य हो रहा है वो ना हो। हमारे महापुरुषों ने भी विदेशों में जा करके जिन प्रेम क्यों दिन ही प्रपाय सदगुरु रविदास महाराज जी, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी, गुरु नानक महाराज जी, गोस्वामी तुलसीदास, इन सब महापुरुषों ने प्रेम का संदेश देकर के विष्णु को अपनी किया है। जो कि एक समय की लोड़ सी जलंधर दे विच, वैसे हर साल महाराज कदे अयोध्या, कदे पौंडेचारी, कदे चित्रकूट, कदे वृंदावन और बीनेवाल वाली कुटिया चांदपुर रुड़की भी असी हर 40 दिवस प्रोग्राम बनाने। इस बार नैणा दे भी महाराज का प्रोग्राम बनिया सी, जो असी गड्डियां जी बैठे तो जलंधर नू गड्डियां मुड़ गईयां, तो महाराज मैनू कहते भी इत्थे हुण करदे प्रोग्राम। तो महाराज की बड़ी दिल की इच्छा है कि जिहड़ा प्रोग्राम है जलंधर वासियों नू समर्पित होवे, खास करके ये जिहड़ा प्रोग्राम है इहदे विच जिन्ने भी संत महापुरुष बाहरों वृंदावन तो जिथों जिथों भी सारे का आगमन समय समय सिर होना है। और कथा भी जी 11 तरीक तो शुरू होनी है। साढ़े विपुल विराट जी बहुत अच्छे विद्वान और बहुत अच्छे कथावाचक है चित्रकूट तो, उन्होंने 11 तरीक को आके कथा शुरू करनी है। तो खास करके मैं अज के मौके पर सारे कहूँगा कि वो तो वो टाइम दे के 11 तरीक को इतने दर्शन दौ, क्योंकि महाराज जी का इको एक मिशन है गौ माता की सेवा करना। और इन्ने सुभाव के सरल है महाराज जी कि जो भी कोई आदमी इन्हों को आता है, चाहे वह कुटिया च बैठे होन कि भी होन, और इन्ने अच्छे सुभाव नाल हर कोई प्रेरणा देते हैं कि अपने जीवन के सानू गौ माता की वो तो वह सेवा करनी चाहिए है। परम श्रद्धे स्वामी कृष्णानंद जी, दीपक मिश्रा जी और व्यास के पीछे बैठे पंडित जी, अज पापा गाने दे लगे महाराज का आशीर्वाद लैन दे लई सौभाग्य प्राप्त होया। वैसे तो महाराज जी ने जो भी कोई हुक्म किया सी तां उसनू नेपरे भेजा। अरे गौराष्ट्र जी सेवा कर रहे हैं, उन्हां दी रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, साडा भी उन्हां दे प्रति जिहड़ा श्रद्धा जिहड़ी हमेशा बनी रहती है, क्योंकि असी एक ही ऐसा प्राणी है, ऐसा जीव है जिन्हों असी जीव प्राणी जानवर नहीं, उन्हों गऊ माता क्यों, क्योंकि असी गऊ माता तो हर वेले कुछ ना कुछ सानू साढ़े जीवन च गऊ माता ही ऐसा जिहड़ा है जिसे साढ़े को आशीर्वाद मिलता है कि वो ऑक्सीजन लेंदी है, ऑक्सीजन ही छड़ती, जबकि बाकी जड़े आ ऑक्सीजन लैके कार्बन डाइऑक्साइड छड़ते हैं, पर गौ माता जी ऑक्सीजन लैके ऑक्सीजन ही वापस करती है, भाव साढ़े जीवन के किसी पास कितने ना कि सानू भी वरदान मिलता है। वह दुध भी असी देखते हैं कि जिस व्यक्ति कोई चीज़ नहीं पचती, अगर कोई पचता है तो गौ माता का दुध ही पचता, भाव अगर किसी जीवन दान देने का भी काम करती है तो गौ माता का दुध ही काम करता। और इसका एक जो असं कही कि जो असी घर शुद्धिकरण करना होंगे तो अग के उत्ते की पाने गौ माता घ्यो पाने और बाकियों नाल धुआं होंगे अखा पैंता, ये कभी धुआं तुम्हें अखा नहीं पैंता, ये थोड़े घर में शुद्ध करता, जिन्ने कीट वगैरह होंगे सारे खत्म भी करता है, और नाल नाल तुहानू उहदी स्मेल सोहनी भी लगती, अच्छी लगती। और गौ माता का गोबर जिहड़ा अजकल तो चलो फेरन का काम खत्म हो गया, पहला घर दे विच असीं उहनूं गोबर नूं असीं जिहड़ा फेरदे सी, और इहदे नाल असीं सुनिश्चित हो जांदे सी कि हुण साडे घर दे विच कोई कीट पतंग कोई गलत चीज़ जिहड़ी आ
भाव सप तक भी उस एंटर नहीं सी कर सकता। ये एक बहुत बड़ी विशेषता गौ माता की, और असी उन्होंने गौमूत्र गौ के भी बड़ा पवित्र मनिया। भाव गौ माता की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिहड़ी साढ़े ते साढ़े जीवन पर असर नहीं कर, और ये हिंदू संस्कृति है, ये हिंदुओं की ही एक बहुत बड़ी जिहड़ी विशेषता कहूँगा कि साढ़े धर्म के विच है कि असी जिहदे कोलों कुछ लैने उहदा सत्कार करना, उहदे अगे शीश झुकाने, उहनूं असी देवी देवतिआं की संज्ञा दी, पवन देवता, जल देव मन देवता कहने, अग्नि देवता, भाव जिन्हों का साढ़े जीवन पर असर है, हवा का, चंद देवता, सूरज देवता, हर एक नूं असी देवता की गल करते हैं, और गौ नूं तां असी माता की गल करते हैं कि जिन्ने भी साढ़े देवी देवत्यां दा अगर वास है तो कित्थे है, वह गौ माता। इस करके असी उन्होंने सब तो ज़्यादा पवित्र, इस करके असी उन्हें कितने कोई भी जानवर कहता तो सानू जिहड़ी आ टीस पहुँचती है कि यार इन्हू क्यों इदा किया।